देवघर पुलिस ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नया आदेश जारी कर दिया है। देवघर पुलिस अब ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। रेड लाइट क्रॉस करने पर जुर्माना वसूला जाएगा, साथ ही बाइक चलाने और पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य किया गया है। देवघर के CCR DSP आलोक रंजन ने बताया कि यह नियम पहले से लागू था, लेकिन आज से यह सख्ती से लागू हो गया है और यही सभी पर लागू है, चाहे वो पब्लिक हो या कोई सरकारी कर्मचारी या जनप्रतिनिधि ही क्यों ना हो। दो पहिया वाहनों चलाते समय ड्राइवर और पीछे बैठने वाले दोनों हेलमेट नहीं लगाते हैं तो ₹1,000 का जुर्माना और 3 महीने तक के लिए लाइसेंस को जब्त किया जाएगा। ट्रिपल राइडिंग करने पर 1,000 का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस जब्त। रॉन्ग साइड परिवहन और नो एंट्री में प्रवेश करने वाले वाहन को जब्त किया जाएगा और न्यायालय के आदेश के बाद छोड़ा जाएगा। वाहन का कागज और परमिट को साथ में नहीं रखने पर 5,000 से 10,000 तक का जुर्माना, 3 माह से 6 माह तक की सजा का प्रावधान। पूरे शहर में छोटी बड़ी गाड़ी पर सवार करने पर ₹1,500 का जुर्माना और 6 महीने की सजा गाड़ी वालों के ऊपर लागू होगा। सबसे बड़ी कार्रवाई युवक युवतियों द्वारा वाहन का परिचालन करने पर उनके परिजनों को सूचित कर ट्रैफिक नियमों का पालन करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। कानूनी प्रावधानों के विरुद्ध किशोर द्वारा वाहन चलाना 199A के तहत 25,000 का जुर्माना और गाड़ी के मालिक को 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 का जुर्माना वसूला जाएगा। एक सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी बनाई गई थी, जिसमें मुख्य प्रावधान और दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसे सभी राज्य एवं जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको दिशा निर्देश दिया गया था कि जो भी मोटर व्हीकल एक्ट्स हैं और जो सेंट्रल मोटर व्हीकल्स एक्ट हैं, जो नियम है, उसको अक्षरशः पालन एवं सख्ती से करवाना है। क्योंकि मेन कंसर्न ये है कि कानून बनने के बावजूद भी बहुत ऐसी दुर्घटनाएं हैं जिसमें कमी नहीं आ रही है, जैसे कि लोगों के द्वारा मोबाइल फ़ोन सभी भी यूज़ किया जाता है ड्राइविंग के दौरान, सीट बेल्ट नहीं लगाया जा रहा है, रेड लाइट जंपिंग किया जा रहा है, ओवर स्पीडिंग किया जा रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कंसर्न था सुप्रीम कोर्ट का कि एक गाइडलाइंस निकाले और उस गाइडलाइंस को सभी को अक्षरशः पालन करवाना है, जिसमें मुख्य रूप से जैसे कहा गया है कि उसमें जो MV एक्ट का जो धारा 19 है उसको और रूल 21 जो है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स का 1989 का, उसमें है कि उसको अक्षरशः पालन कराएं, जिसमें सेक्शन 19 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट ये कहलाता है कि किस किस आधारों पे आपके लाइसेंस को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, और रूल जो 21 है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में, उसमें आधार दिए गए हैं कि किन किन आधारों पे आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है आपके लाइसेंस का, जैसे कि कोई ड्रंक एंड ड्राइव होकर चला रहा है, या फिर किसी प्रकार का नर्कोटिक्स ड्रग्स लेकर के चला रहा है, या फिर आपको कोई इस प्रकार से गाड़ी चला रहा है जिससे कि आम जन को उससे खतरा उत्पन्न हो जाए, ये सब आधार दिया हुआ है उसमें। उसी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिशा निर्देश में कहा है कि सभी जो राज्य हैं अपने अपने स्तर पे उसको अक्षरशः एवं सख्ती से पालन करवाना है, जिसमें कि हेलमेट्स वगैरह को यूज़ करना है, हेलमेट से रिलेटेड जो रूल्स है, जैसे कि पिलियन राइडर्स को भी हेलमेट पहनना है, सीट बेल्ट लगाना है, वाइल्ड ड्राइविंग वो चीज़ करना, मोबाइल फ़ोन को यूज़ नहीं करना है चलाते वक्त, और जो भी प्रावधान है, जैसे कि हम बता दें, जैसे कि बिना हेलमेट के अगर आप गाड़ी चलाते हैं पहने हुए, तो MV एक्ट के सेक्शन 194D के तहत आप पे ₹1,000 का जुर्माना हो सकता है और आपके लाइसेंस रखने के लिए आप अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। फिर उसी प्रकार से जैसे आप रॉन्ग साइड से आप अगर वाहन चला रहे हैं, जो प्रवाह है चलने का वाहन, उसके विपरीत दिशा से आप अगर घुस करके आप चला रहे हैं, तो उसमें MV एक्ट के सेक्शन 184 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन ई में आएगी, वाहन जब्त करके न्यायालय में अभियोजन प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा और माननीय न्यायालय के आदेश पर ही वो वाहन जो है सो विमुक्त किया जाएगा। इसी प्रकार से बिना आप जैसे लाइसेंस की गाड़ियां चला रहे हैं, बिना लाइसेंस लिए हुए, तो उस पर ₹5,000 का जुर्माना और 3 माह का सजा है। तो जो प्रावधान बनाए गए हैं जो भी MV एक्ट में है, सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश है कि उसको अक्षरशः पालन है, जिसमें अभियोजन चलाना है उसमें अभियोजन चलाया जाएगा, जिसमें जुर्माना का है उसमें जुर्माना एकदम सख्ती से किया जाएगा, और जिसमें दंड का प्रावधान है एकदम जुर्माना सभी का, उसको अक्षरशः पालन करा के उसको अनुपालन करवाना सुनिश्चित करना है। पुलिस और न्यायालय के बीच में कैसा समन्वय होगा इसके तहत?
इसमें न्यायालय और पुलिस के बीच में संबंध मतलब समन्वय बिल्कुल अच्छी तरीके से हम लोगों के द्वारा स्थापित करके और हम लोग के द्वारा ये प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है कि अभियोजन हम लोग भेज भी रहे हैं करने के लिए और धीरे धीरे है कि इसमें और सख्ती से अनुपालन करवाया जाएगा। फिर भी अगर कोई नहीं मानते हैं गलती पे गलती किए जा रहे हैं तो उस पर जो हाँ तो उस पर जो IPC की जो धारा है उसके तहत भी जो सुसंगत धारा है उनके तहत भी उन पर केस किया जा रहा है। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए BKD न्यूज झारखंड के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें।